लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन. सो एक और क्वेश्चन पूछते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. सो आज का हम लोग का जो टॉपिक है, इज इट नीड ऑफ द आर या नहीं? इज इट नीड ऑफ द आर? यस. क्या ये है नीड ऑफ द आर? हम लोग दिस टाइम से गुजर रहे हैं. इज इट नीड ऑफ द आर? चलिए हम लोग शुरू करते हैं. एक्चुअली हम लोग की जो लाइफ है ना, हम लोग को जितना दिखता है, मतलब हम लोग की लाइफ के जितने भी सीन एस्पेक्ट होते हैं, जितने भी सीन रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी सीन फैक्टर्स होते हैं, उससे ज्यादा ना अनसीन फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग की लाइफ में वर्क करते हैं, जो हम लोग को लाइफ में या तो आगे बढ़ाते हैं या तो हम लोग को लाइफ में पीछे ले जाते हैं. वो क्या अनसीन फैक्टर्स हैं, थोड़ा बहुत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. और वो जो भी अनसीन फैक्टर्स हैं वो हमें सपोर्ट करें ताकि हम लोग लाइफ में जो भी जिस भी फेज से गुजर रहे हैं उसको हम लोग हील कर पाए, जो भी हम लोग की मेजर विशेष है उसको हम लोग अचीव कर पाए, मैनिफेस्ट कर पाए, उसमें ये प्रोसेस हेल्प करे. तो अगर आप इस बात को एग्री करते हैं, फील करते हैं, तो यू कैन राइट फील या एग्री. अगर आप इस बात को डिनाई करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. हम लोग लाइफ में जितनी चीजों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उससे बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग न देख पाते हैं न सुन पाते हैं, लेकिन हम लोग की लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. तो वो जो अनसीन फैक्टर्स हैं वो हमें सपोर्ट करें, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना हम लोग लाइफ में बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते. अगर आप इस बात को फील करते हो, आप एग्री करते हो, आप डिसएग्री करते हो, ताकि हम लोग वो टू वे कम्युनिकेशन ही रखेंगे ताकि हम लोग एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा कर पाए. और आज के सेशन का जो मेन पर्पज है हम लोग का, कि जो भी डिवाइन एनर्जीज है, जब हम लोग उसको उधर हम लोग फोकस करते हैं, जब हम लोग का उधर अटेंशन जाता है तो उसका भी अटेंशन हमारी तरफ ज्यादा आता है और वो हमें हील करती है और कई चीजें होती हैं. तो दैट इज द पर्पज ऑफ टुडे सेशन. हम लोग क्वेश्चन आंसर लास्ट में कर लेंगे, तो हैंड रेज हम लोग लास्ट में क्यों नहीं कर लेंगे. सो वेलकम टू द पीस विद गॉड. सो बिफोर वी स्टार्ट, ये जो टास्क है हम लोग फिर से करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये लाइफ का ना बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. सो जो भी आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको अपना लव और थैंकफुलनेस सेंड कीजिए और उनको भी इस प्रोसेस का अनकॉन्शियसली पार्ट बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. क्योंकि एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हम लोग की लाइफ में, जब हम लोग अपने ह्यूमन जर्नी में होते हैं तो भी, और जब हम लोग ह्यूमन जर्नी में नहीं होते हैं तो भी, ये जो फैक्टर है हम लोग की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. जब हम लोग ह्यूमन जर्नी में होते हैं, जब हम लोग अर्थ पे होते हैं तो भी, और उसके बाद की लाइफ में भी, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो फैक्टर है, हम लोग की लाइफ में रोल प्ले करता रहता है. आज हम लोग उसी को थोड़ा समझेंगे. सो इस टास्क को कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. पास हो जाए तो आप डन कर सकते हैं. जो भी आपकी लाइफ में जो भी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, और हम लोग की लाइफ में जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो पर्सन से शिफ्ट करके स्पिरिचुअल एनर्जी होना शुरू कर दें, हम लोग थोड़ा सा पर्सन सेंट्रिक से गॉड सेंट्रिक होना शुरू कर दें, दैट इज द पर्पज ऑफ टुडे सेशन. हम लोग वो चीज जितना ज्यादा कर पाएंगे वो कहीं ना कहीं हम और कुछ प्रोसेस में हेल्प करता है. जो हम लोग सो दिस इज द सीक्रेट, एक मैसेज है जो हम लोग को समझने की जरूरत है. द मैसेज इज व्हेन यू चेंज योर एनर्जी यू चेंज योर लाइफ. देखिए हम लोग लाइफ में जो भी चीजें करते हैं अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए,
उसका जो इनसाइड स्टोरी है, जो मेन चीज है, अगर हम लोग अपनी एनर्जी को चेंज कर पाएंगे तभी हम लोग की लाइफ में कोई भी शिफ्ट आ पाएगा। और हम लोग जो भी चीजें करते हैं, कोई ट्रेनिंग अटेंड करना, कोई बुक पढ़ना, मेडिटेशन करना, मंदिर जाना, हम लोग जो भी जितनी भी चीजें करते हैं, उन सारी चीजों के पीछे हम लोग का एक ही अनकॉन्शियस एफर्ट होता है कि हम लोग अपनी एनर्जीज को चेंज कर पाए। और अगर हम लोग अपनी एनर्जीज को शिफ्ट नहीं कर पा रहे, अगर हम लोग अपने अपनी एनर्जी को चेंज नहीं कर पा रहे, तो हम लोग की लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है। और अभी ये जो हम लोग का ये जो भी एफर्ट है, कोशिश है, ये जो भी सेशन है, इसका भी सेम पर्पज है कि जो हमारी जो एनर्जीज है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो पाए, वो थोड़ा सा चेंज हो पाए। सो अगर आप इस बात को एग्री कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आप इसको डिसएग्री करते हैं, डिनाई करते हैं, तो आप वो भी आप आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन थिंग। हम लोग जो भी एफर्ट्स करते हैं, जो भी एफर्ट्स हम लोग कॉन्शियसली करते हैं, जो भी एफर्ट्स हमारे होते हैं, हम लोग कई ऐसे एफर्ट्स करते हैं वो हमारे नहीं होते हैं, वो हम लोग ट्रेंड में आके कर लेते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस में आके कर लेते हैं। तो जो चीज़ हम लोग ट्रेंड की वजह से कर रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से कर रहे हैं, उसका तो ड्राइविंग फोर्स हम नहीं है, वो तो हमसे कोई और करा। लेकिन जितने भी एफर्ट्स हम लोग कॉन्शियसली करते हैं, पूजा करना, मेडिटेशन करना, मंदिर जाना, ट्रेनिंग अटेंड करना, बुक पढ़ना, उन सबके पीछे यही रीजन होता है, हम लोग अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये जो सेशन है इसका भी यही पर्पज है कि हम लोग अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर पाए। एनर्जी को शिफ्ट करने का मतलब क्या है उसको हम लोग और डिटेल में आगे समझेंगे। होप मैं आंसर कर पाया था। हम लोग जितनी भी चीजें करते हैं कॉन्शियसली, वो सारे का जो मेन हम लोग का जो फोकस होता है, अनकॉन्शियस हम लोग का जो एफर्ट होता है, वो यही होता है कि हम लोग अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर पाए। और अगर हम लोग अपनी एनर्जीज को वाकई में शिफ्ट कर पाते हैं, तो हम लोग की लाइफ वही नहीं रह जाती है जो पहले थी। और एनर्जी शिफ्ट करने में जो चीज सबसे ईजी और सबसे इफेक्टिव वर्क करती है वो ये होती है कि जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जो भी बेटर एनर्जी के लोग हैं, अगर हम लोग उनके ऑरा में आते हैं, अगर हम लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, अगर हम लोग का उनसे इंगेजमेंट ज्यादा करते हैं, उनको ज्यादा सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सबसे फास्ट तरीका होता है हमारी एनर्जी को शिफ्ट करने का। सो दिस इज द मेन थिंग। अगर आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट नहीं आ रहा है, उसका सीधा सा मतलब है आप अपनी एनर्जी को चेंज नहीं कर पा रहे, अपनी एनर्जी को शिफ्ट नहीं कर पा रहे। अगर हम लोग यहां तक कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर हम लोग यहां तक साथ हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट सी पर कनेक्ट आगे बढ़ेंगे। सो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इस बात को समझ जाएंगे तो हम लोग से गलती होने के चांस कम हो जाएगी, और जो भी हम लोग एफर्ट्स करेंगे वो हमारे लिए वर्क करे उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कई बार हम लोग एफर्ट्स करते हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, उसका ये रीजन है क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं होता, वो रैंडम होती है, वो सारी चीज रैंडम चीजें रैंडमली वर्क करती है। सो आज का जो हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग वो समझेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो टॉपिक फॉर टुडे इज, और ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। आप अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से आंसर करने की कोशिश कीजिए कि हम लोग अर्थ पे क्यों है, हम लोग ह्यूमन जर्नी में क्यों है। और ह्यूमन जर्नी मतलब जो हम लोग की जो ह्यूमन जर्नी होती है, क्या यही हम लोग की लाइफ का सारा एस्पेक्ट होता है, या हम लोग की लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स होते हैं? क्या हम लोग की इस जर्नी से पहले भी कुछ होता है, बाद में भी कुछ होता है, या यही सब कुछ है? एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। इसका जो भी आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से आंसर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हो सकता है मुझे कुछ सीखने को मिले। और पास्ट लाइफ कर्मा, ये आंसर कुछ हद तक सही है, और कोशिश कीजिए। मोक्ष एक ऐसा वर्ड है ना, जो मतलब हमने सुना है लेकिन हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग कोशिश करना चाहिए हम लोग ऐसे कोई भी वर्ड ना यूज करें जो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है, अदरवाइज हमारा ब्रेन हमें चीट करने के लिए उसी वर्ड को यूज करता है। To dream and fulfill our desires.
हाँ तो वो डिजायर्स क्या है, वो अपने कर्मास को बेहतर करना, इट्स रैंडम क्रिएशन, नहीं रैंडम क्रिएशन तो नहीं, पीसफुलनेस, हाँ पीस का उससे रिलेशन है लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन है, टू लीव आवर हैप्पी लाइफ एंड कंट्रीब्यूट टू दिस वर्ल्ड. नो हू एम आई एम, सक्सेसफुल लाइफ, टू बी वन विद द सोर्स. To redeem our bad karma and make a progress to attain self-attachment towards God. To merge our soul with God so that we can get to all things. To do justice with the light. Thank you. Thank you. To be tested by God. To realize who am I. Thank you. So, चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. देखिए जो हम लोग की जो ह्यूमन जर्नी होती है अर्थ पे, हम लोग की जो लाइफ का जो पर्पज है उसको अगर हम लोग एक वर्ड में समझने की कोशिश करें तो द आंसर इज द ग्रोथ, कि हम लोग ग्रो कर पाए. हम लोग की जो भी अभी तक की जो स्टेज रही है, हम लोग की अभी तक की जो भी स्टेज रही है उससे हम लोग बेहतर स्टेज में जा पाए, हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर पाए, हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर पाए. सो दिस इज द पर्पस. इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं इसको सिंपल उसमें, क्योंकि देखिए जैसे अभी हम लोग ह्यूमन जर्नी में है, इससे पहले भी हम लोग की जैसे बिफोर लाइफ भी होती है और हमारी जो ह्यूमन जर्नी है उसके बाद भी हम लोग की लाइफ चलती रहती है. लेकिन ह्यूमन जर्नी में हम लोग इसलिए आते हैं ताकि जो भी हम लोग अपनी लाइफ में, जो भी हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को, जैसे अपने प्लेन को चेंज करना, प्लेन को शिफ्ट करना, हम लोग जब हम लोग ह्यूमन जर्नी में होते हैं तो इस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं. सो दैट इज द पर्पस. सो इसको अगर हम लोग ऐसे समझें तो देखिए जैसे जैसे हम लोग के इसको कई तरीके से इसको कन्वे किया जा सकता है इस मैसेज को. एक तरीका यह है कि हम लोग के बॉडी में 7 चक्रास होते हैं. दूसरा तरीका यह है कि हम लोग की जो लाइफ होती है ना वो 7 प्लेन्स पे चलती है. तो 3 लोअर प्लेन्स होते हैं, 3 अपर प्लेन्स होते हैं. तो ग्रोथ का मतलब कि हम लोग का प्लेन शिफ्ट होता जाए. तो देखिए हम लोग की लाइफ में ग्रोथ जब हम लोग ह्यूमन जर्नी में होते हैं तब भी होता है, और जब हम लोग ह्यूमन जर्नी के बाद की जो लाइफ होती है तब भी हम लोग ग्रो करते हैं. लेकिन जो ह्यूमन जर्नी के जो बाद की जो लाइफ होती है उसमें हम लोग उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं जितना हम लोग अपने ह्यूमन जर्नी में ग्रो करते हैं. तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए, अपने प्लेन को शिफ्ट कर पाए, जो भी हमारे बैड कार्मिक्स हैं, जो भी हम लोग के पास्ट डीड्स हैं, जो भी बैड कार्मिक हैं, उनको हम लोग रिलीज कर पाए, उनको हम लोग जी के अपने आप को उनसे फ्री कर पाए और अपनी कॉन्शियसनेस को हम लोग रेज कर पाए, अपने प्लेन को हम लोग शिफ्ट कर पाए. सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ आर लाइफ. अपने प्लेन को हम लोग शिफ्ट कर पाए, हम लोग अगर जो भी हमारी कॉन्शियसनेस है जिस भी हम लोग प्लेन पे हम लोग की लाइफ चल रही है उससे हम लोग जो भी नेक्स्ट लेवल है उस पर हम लोग जा पाए. और ये काम सबसे फास्ट जब हम लोग ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, जब हम लोग ह्यूमन जर्नी में होते हैं तब हम लोग ये सबसे फास्ट कर सकते हैं. देखिए ह्यूमन जर्नी के बाद जो हम लोग की लाइफ होती है वहां पे भी हम लोग का ग्रोथ होता है, वहां पे हम लोग का डाउनफॉल नहीं हो सकता, लेकिन वहां पे जो ग्रोथ होता है वो बहुत स्लो होता है. इसी वजह से हम लोग इस ह्यूमन जर्नी में आते हैं. सो दिस इज द पर्पस. अगर दिस इज द आंसर, एक सिंगल वर्ड में उसको कन्फाइन करने की कोशिश करें तो आंसर इज ग्रोथ. हम लोग ग्रो कर पाए, स्पिरिचुअली ग्रो कर पाए. और स्पिरिचुअली ग्रो करने का मतलब हम लोग ऐसा नहीं केवल हमारी इन्फॉर्मेशन बढ़े, पहले हमें 2 बातें पता थी हमें 6 बातें पता चल जाए, हमारी एनर्जी शिफ्ट हो, हम लोग का प्लेन शिफ्ट हो, हम लोग का चीजों को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाए, हम लोग को चीजों को जो महसूस करने का जो वो नजरिया है या हम लोग का जो प्लेन है वो शिफ्ट हो जाए. जैसे देखिए यहाँ पे कुछ वो लिखे डिटेल्स, जैसे हम लोग की लाइफ ना इन 7 प्लेन्स पे चलती है और सबके यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं. तो जिसका जो डोमिनेंट है, जैसे सब में कोई ना कोई इमोशन डोमिनेट करता है, जैसे मान लीजिए कोई ईगो सेंट्रिक है, कोई पावर सेंट्रिक है, किसी के लिए सेल्फ स्टीम से बढ़ के कुछ भी नहीं है, तो वो उसका जो डोमिनेंट प्लेन है वो 3rd प्लेन पे है. जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाते हैं, जैसे अगर आपका 4th चक्र एक्टिव होता है या अगर आप इस प्लेन पे आ गए
तो अब आपका जो डोमिनेंट इमोशन होगा आपके लिए एक्सेप्ट करना इजी होगा, आपके अंदर जो कंपैशन है वो नेचुरल होगा, जो भी काइंडनेस की फीलिंग है, जो भी लव की फीलिंग है वो नेचुरल होगा जैसे जैसे। और देखिए हम लोग हमें से ज्यादातर लोग जो होते हैं, जो ज्यादातर जो सोल्स होती है वो नीचे के प्लेन पे होती है, और यही हम लोग की जर्नी का मेन वो होता है कि हम लोग कैसे नीचे से ऊपर हम लोग मूव करते जाते हैं। और जितना हम लोग लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, जितना हम लोग जैसे किसी चीज को हम लोग जब भोग लेते हैं तो हम लोग को लगता है नहीं, जैसे किसी प्लेन पे हम लोग काफी टाइम जब जी लेते हैं तो हम लोग वहां से ना तृप्त हो जाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट प्लेन पे जाते हैं, इस तरीके से हम लोग ग्रो करते हैं। सो एक वो तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि अगर हम लोग लाइफ में हायर एनर्जीज आती है, अगर हम लोग की लाइफ में हायर सोल्स आती है, हायर कॉन्शियसनेस की सोल आती है, तो जब हम लोग उनके टच में आते हैं तो भी हम लोग की जो ग्रोथ है वो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लोग अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं पीस को हम लोग क्रेव करते हैं, पीस को, हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पीस को हम लोग क्रेव करते हैं। तो अगर हम लोग इसको लाइफ को समझेंगे अलग अलग प्लेन्स पे, तो हम लोग देख के ही समझ पाते हैं कि जितना हम लोग ऊपर जाएंगे उतना ही हम लोग की लाइफ में उतना ही हम लोग पीस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस को, इस जर्नी को एक्चुअल में वॉक कर पाना, एक्चुअल में चल पाना, उसी से हम लोग की लाइफ में जो भी शिफ्ट आता है, उसी से हम लोग की एनर्जी शिफ्ट होती है, उसी से हम लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसी में हम लोग ग्रो करते हैं, और हम लोग लाइफ के लोअर प्लेन से हायर प्लेन की तरफ हम लोग मूव कर पाते हैं। सो अगर आप इस बात को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, अगर आप इस बात को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, और थोड़ा सा हम लोग उधर फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे अगर आप जो भी हम लोग की लाइफ आफ्टर लाइफ होती है, जैसे इस लाइफ के बाद की जो लाइफ होती है, जैसे अभी श्राद्ध का टाइम चल रहा है, तो इसमें माना जाता है कि जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं वो इस टाइम आते हैं धरती पे, हम लोग को देखते हैं, हम लोग की हेल्प करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। तो अगर लाइफ आफ्टर लाइफ को में थोड़ा सा आप और इंटरेस्ट हैं तो कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो हम लोग को थोड़ा सा हेल्प करता है इस प्रोसेस में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लोग ह्यूमन जर्नी में होते हैं तो हम लोग को जितनी चीजें दिखती हैं हम लोग उसी को सब कुछ मान के जीते हैं, और उसी को सब कुछ मान के जीने से ना हम लोग का जो वे ऑफ लिविंग होता है, हम लोग एक नैरो पाथ पे, एक हम लोग नैरो कॉन्शियसनेस या एक नैरो थिंकिंग में कहीं ना कहीं हम लोग स्टक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग कंप्लीट पिक्चर को समझते हैं, इस जर्नी को समझते हैं, इसके बाद की जर्नी को भी समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने टाइम को बेहतर यूज कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जो भी हम लोग की लाइफ की जो हायर वैल्यू की चीजें हैं कहीं ना कहीं हम लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे पाते हैं, नहीं तो जो भी हम लोग की लाइफ में लोअर वैल्यूज की चीजें हैं कई बार हम लोग उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। But there is no proof of life. No proof of afterlife and before life. So, अगर उस टॉपिक पे कुछ समझना चाहते हैं तो हम लोग थोड़ी सी कुछ बातें करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज गौरव जी आपने लिखा है कि there is no proof of afterlife and before life. गौरव जी आपने लोग उतना एक्सप्लोर नहीं किया, आप एक्सप्लोर करोगे तो हर चीज के प्रूफ है, और जो हम लोग का जो प्रूफ ढूंढता है ना, हम लोग के माइंड का एक छोटा सा हिस्सा है, उसको लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं या उसको कॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हैं। वो बिल्कुल एक ऐसे समझिए, वो एक बिल्कुल एक ऐसे छोटे बच्चे जैसा है, जैसे मान लीजिए हम लोग छोटे बच्चों को कई चीजें हम लोग नहीं समझाते हैं कि जब तुम बड़े हो गए तो अपने आप समझ जाओगे, तो हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है ना या जो कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चे जैसा है। अगर वो हमारे अंदर डोमिनेट करता है तो उसको कोई समझाता नहीं है, उसको कोई समझाने की कोशिश नहीं करता है, एक छोटा बच्चा समझ गया कि जब वो बड़ा होगा तो समझ जाएगा। ये जो भी चीजें देखिए, मतलब जैसे हम लोग के ना ब्रेन के कई पार्ट्स होते हैं, तो जो हिस्सा जिस ब्रेन के जिस पार्ट का रोल होता है वहां पर अगर हम लोग उसको इंगेज करेंगे तो हम लोग उस मिस्ट्री को समझ जाएंगे। अगर आप लॉजिकल ब्रेन के साथ लव करने की कोशिश करोगे ना तो आपका लव कैसा होगा वो आपको पता है। जैसे एक इंसिडेंट है, मतलब एक पर्सन थे, वो साइंटिस्ट थे, वो नर्क साइंटिस्ट थे। तो एक बार वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, अपनी प्रेमिका के साथ थे, तो वो ना कुछ रिसर्च कर रहे थे कि जब हम लोग प्यार में होते हैं तो हमारा जो नर्क का जो सेंसेशन है उसमें कुछ चेंज आता है कि नहीं आता है। तो जब वो अपने लवर के साथ थे तो जब उसके नर्व को दबा रहे थे तो वो कुछ चेक कर रहे थे, तो उनकी जो
जो भी लवर थी वो बोली कि काम करो तुमने यही सब कर रहा तुम सो होप मैं आपको मैसेज करवाई कर पाया। वो कही तुम अपने रिसर्च ही कर लो, तुम्हें मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। तो जिस चीज में हमारे ब्रेन का जिस पार्ट का रोल होता है ना, अगर हम उसको इंगेज करेंगे तो वही आंसर को ढूंढ पाता है। और हम लोग के ब्रेन में अलग अलग पार्ट है जो अलग अलग एक्टिविटी के लिए बने हुए हैं। पितृ दोष जैसा कुछ होता है सचिन जी, पितृ दोष को लेके जैसे हम लोगों ने डे फोर में जो किया था उसका यही होता है कि अगर हमारे जो भी एंसेस्टर्स रहे, मतलब उसके दो तीन आयाम है। एक डायमेंशन ये है कि कई बार क्या होते हैं कि उनके भी जो बैड कार्मिक होते हैं वो हमारे डीएनए में आते हैं, उसको हमें क्लीन करना होता है। एक ये एस्पेक्ट होता है जिसको हम लोग वो फॉरगिवनेस से हम लोग क्लीन करते हैं। और कई बार दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि देखिए जैसे क्या होता है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग की फैमिली होती है, आफ्टर लाइफ भी हम लोग का जो फैमिली सिस्टम है वो वहां पे भी वैसे ही चलता है। तो जो भी हम लोग के हमारे जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी हमें छोड़ के गए हैं, वो वहां से हम लोग की लाइफ को देख पाते हैं, हम लोग के सुख दुख को समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और वहां से हम लोग को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार अगर हम लोग उनको जैसे इग्नोर करते हैं या कई बार उनको एड्रेस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब वो चीजें उनको इम्पैक्ट करती है। इसीलिए मतलब हर एक रिलीजन में वो एक सिस्टम है, स्पेशली हिंदू में हर एक रिलीजन सिस्टम है कि आप उनको इग्नोर मत करो, उनकी केयर करो, प्रॉपर उसके रिचुअल्स हैं कि आप उनकी पूजा करो, उनको प्रे करो उनको, क्योंकि वो भी हमारा वहां जाके भी वो हमसे कनेक्ट करते हैं, वहां जाके भी वो हमारी केयर करते हैं, वो चलती रहती है वो जर्नी। जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे मान लीजिए कि हम लोग सोसाइटी में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जब हम लोग फैमिली में होते हैं तब हम लोग हेल्प करते हैं, वैसे ही हम लोग की आफ्टर लाइफ भी वो जो प्रोसेस है वो चलता रहता है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें, कोई परेशान है तो उसको हम लोग उस परेशानी से बाहर निकालें। सो दिस इज द प्रोसेस। अमित जी देखिए, अगर जैसे अगर हम लोग इन चीजों को समझते हैं, देखिए जैसे होता क्या है कि जैसे जब हम लोग ह्यूमन जर्नी में होते हैं तो हम लोग को बस इसी ह्यूमन जर्नी में ही हम लोग को जितनी चीजें दिखाई जाती हैं, जितनी चीजें बताई जाती हैं, हम लोग इतना ही सब कुछ मान के चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं। जो भी श्राद्ध की जो पूरा जो सिस्टम है वो इसी पे बेस्ड है कि आप जो जो मतलब देखिए जैसे ये जो भी बातें हैं ये कुछ फिलोसफी नहीं है, मतलब ये सब ना जैसे एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के। जैसे हम लोग लाइफ में कोई भी चीज जो डिस्कवर होती है, जैसे ये जो सेवन प्लेन की जो चीजें हैं ये ना, मतलब ये सब चीजें डिस्कवर होने में, किसी को पता लगने में, ये ऐसे समझिए ये बहुत कई मतलब कई सौ साल या बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन लोग यूज करते हैं। तो जो श्राद्ध और ये सब जो प्रोसेस है, अगर हम लोग इन चीजों को समझेंगे तो हम लोग उसमें उसमें प्रॉपर अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएंगे, हम लोग समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए जो लाइफ आफ्टर लाइफ होता है, जैसे मान लीजिए जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो भी हमारे घर के जो लोग जा चुके हैं, वो लोग वहां जाके हमारी वैसी ही केयर करते हैं जब थे तब वो जैसी केयर करते थे। तो श्राद्ध में हम लोग उन्हीं को हम लोग अटेंशन देते हैं, उनको सुनने की कोशिश करते हैं, लाइफ के उस पॉसिबिलिटी को हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग इन चीजों को इतना ऐसे समझते हैं ना, तो हम लोग की जो लाइफ है, जो हम लोग अपने ह्यूमन जर्नी में होते हैं, हम लोग अपने टाइम की वैल्यू ज्यादा समझते हैं, सही गलत करने को लेके हम लोग ज्यादा अवेयर होते हैं। ये है पूरा कि हम लोग उस प्रोसेस को समझें और हम ये ना माने कि नहीं वो हमारे लाइफ के पार्ट नहीं है। मतलब जो जो एक्सपीरियंस है लोगों का, जो भी वाइज है, जो भी सेंस है, आप जो भी इन चीजों का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उन सबका ये एक्सपीरियंस है कि नहीं मतलब वो कनेक्टेड होते हैं। मतलब तो हमें अगर कोई हमारी केयर कर रहा है तो हमें भी उनकी केयर करनी चाहिए, हमें भी उनके लिए जो भी प्रे करना, हमें भी अगर वो कुछ हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उनके लिए ओपन रहना, प्लस हम लोग लाइफ में ग्रो करते रहे। मेन जो पूरा जो सिस्टम है मतलब वो ये है कि हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। जितने भी हायर कॉन्शियसनेस की सोल होती है वो सब यही चाहती है कि हम लोग लाइफ में ग्रो करते रहे। सो होप मैं आपको मैसेज कन्वे कर पाया। कैन वी टॉक टू आवर एंसेस्टर्स ड्यूरिंग पितृपक्ष? सुविता जी देखिए, जो भी हमारे एंसेस्टर्स है ना उनसे हम लोग, हाँ ये जो टाइम होता है इसमें भी हम लोग उनसे बात कर सकते हैं और इस टाइम के अलावा भी हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये सब कई बार हम लोग तभी कर पाते हैं जब हम लोग स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं। कई बार हम लोग खुद नहीं कर पाते हैं, तो जो मीडियम्स होते हैं, जैसे कुछ लोग स्पिरिचुअली बहुत अवेकन होते हैं तो उनके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और कई बार जो भी हमारे एंसेस्टर्स होते हैं वो हमेशा मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम लोग नींद में होते हैं, जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं तो हमारी सोल ट्रेवल करती है, कई चीजें होती हैं जो हम लोग को पता नहीं चलता है। इसलिए शुरू मैंने बोला था कि हम लोग लाइफ में बहुत से अनसीन फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं।
तो जो भी हमारे लाइफ के अनसीन फैक्टर्स हैं, अगर हम लोग उनको समझेंगे, अगर हम लोग उनको इम्पोर्टेंस देंगे, तो हम लोग अपने इसी लाइफ टाइम से हम लोग ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, ज्यादा हम लोग इस अपने लाइफ को यूज कर पाएंगे। तो आंसर है कि यस, हम लोग कर सकते हैं। What is the difference between conscious and unconscious mind? देखिए, जो भी हम लोग के माइंड का जो वेकिंग, मतलब जो भी अपने ब्रेन को जितना भी हम लोग कॉन्शियसली यूज करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड है। फिर वो माइंड का टॉपिक तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अभी हम लोग का टॉपिक स्पिरिचुअल है। हम अनकॉन्शियस माइंड ही होता है, कॉन्शियस के ठीक नीचे हम लोग के माइंड का एक लेयर होता है, जहाँ पे सारे हम लोग के बिहेवियर पैटर्न होते हैं। हम लोग किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे, जो भी हम लोग के जितने भी थिंकिंग पैटर्न होते हैं, वो सारे हम लोग के अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। So what are those unseen factors? वही सब unseen factors की हम लोग बात कर रहे हैं। So अगर हम लोग यहाँ तक मैं कुछ message convey कर पाया कुछ, क्योंकि देखिए इन बातों को अगर हम लोग डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, अगर हम लोग इतना डीपली अंडरस्टैंड करें कि ये हमारे एक्सपीरियंस का पार्ट बन जाए। देखिए जो भी जो टीचिंग होती है, जो भी जो शेयरिंग होती है, उसको अगर हम लोग को ऑप्टिमाइज करना हो, या उसका जो हाइएस्ट पॉसिबिलिटी होता है, वो ये होता है कि हम किसी के एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर लें। एक होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपने, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ गई, वो आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। मेन पर्पज ये होता है कि जैसे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, या जो भी मैं, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सपीरियंस मेरे तक आया, वो आप तक जाए, तो अगर ये चीजें आपकी एक्सपीरियंस बन जाएंगी, तो आपके आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाएगी, आपके जो ब्लॉकेज है वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द मैसेज। सो अगर हम लोग यहाँ तक कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ तक मैसेज कन्वे कर पाया, अगर मैं कुछ शेयर कर पाया, आप लोग एक्सेप्ट कर पाया, अंडरस्टैंड कर पाया, देन अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई लाइक स्पिरिचुअलिटी एंड आई डू मेडिटेशन। देखिए जैसे जो स्पिरिचुअलिटी वर्ड है ना, ये बहुत मिस्टीरियस वर्ड है। जैसे मान लीजिए एक समुंदर है ना, समुंदर स्टार्ट बहुत सरफेस से हो जाता है, लेकिन समुंदर का बहुत डेप्थ होता है। तो स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना, उसको समझना, दैट इज अ प्रोसेस जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ तक अगर हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट सी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर अभी तक हम लोगों ने जितना भी एनर्जी शेयर किया, जो भी बातें किया, अगर आप कुछ एब्जॉर्ब कर पाए, अगर आप कुछ फील कर पाए, अगर आप कुछ भी, तो आप उसको आंसर के लिए बात करेंगे। अगर आप कुछ डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर आप ले पाए, अगर आप कुछ एक्सपीरियंस ले पाए, चलिए मैं इसको समराइज कर देता हूँ। अभी हमें क्या करना चाहिए, देखिए अगर हम लोग इस बात को समझेंगे बस, कि देखिए हम लोग इस जो ह्यूमन जर्नी में आए हैं, इससे पहले भी हम थे, इसके बाद भी हम रहेंगे। इस ह्यूमन जर्नी में हम लोग के आने का जो मेन पर्पज है कि हम लोग ग्रो कर पाए, अपनी कॉन्सियसनेस को रेज कर पाए, अपनी चेतना के स्तर को हम लोग ऊपर उठा पाए, ये हम लोग की लाइफ का मेन फोकस होता है, ये हम लोग की लाइफ का मेन पर्पज है। अगर इस बात को हम लोग समझेंगे, तो हम लोग की जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। क्योंकि देखिए अगर हम लोग लाइफ में जो कीमती चीजें हैं, अगर हम लोग वो चीजें वो हम लोग समझते हैं, उसको हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो वो हमारे लाइफ के हर एक चीज को इम्पैक्ट करती है। वो हमारे गोल्स को इम्पैक्ट करती है, वो हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है, वो हमारे पाथ को इम्पैक्ट करती है, वो हर चीज को इम्पैक्ट करती है और बेहतर बनाती है। और अगर हम लोग ये चीज नहीं करते हैं, तो हम लोग ना एक रैंडम लाइफ जीते हैं। और रैंडम लाइफ का मतलब देखिए, जैसे जब लोग ह्यूमन जर्नी में होते हैं, तो दो चीजें, मतलब दो पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी होता है कि हम लोग बहुत तेजी से रेज करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, ये भी पॉसिबल है। दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि हम लोग जहाँ थे वहां से बहुत तेजी से नीचे भी गिरे, वो दोनों पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर हम लोग इस सारे सेगमेंट को समझते हैं, तो हम लोगों से वो गलती नहीं होती है।
तो हम लोग मतलब एक रैंडम लाइफ नहीं जीते हैं, तो फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम लोग लाइफ में आए तो थे अपने कार्मिक को रिलीज करने, हम लोग लाइफ में आए तो थे कि स्पिरिचुअली ग्रो करने, लेकिन हमने संगत ऐसी चुन लिया या जो भी हमारा सराउंडिंग ऐसा हो गया कि हम लोग लाइफ में ऊपर जाने के बजाय और नीचे जाना शुरू कर रहे हैं। सो दिस इज द मैसेज, सो होप मैं कन्वे कर पाया। हाउ टू क्लियर बैड कर्मा, इमोशनल ब्लॉकेज एंड हॉरोस्कोप इशू। देखिए जो हमारे जो बैड कर्माज होते हैं ऑटोमेटिकली हम लोग लाइफ में वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं जो मतलब जैसे क्या होता है कई बार हम लोग की लाइफ में बहुत से पेन्स आते हैं, तो हम लोग की लाइफ में जो पेन्स आते हैं वो दो रीजन से आते हैं। एक रीजन ये होता है कि हमारे जो बैड कर्मा है वो रिलीज हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी को तकलीफ दिया है आपके बैड कर्मा क्रिएट हो रहे हैं तो आपको उस तकलीफ से गुजरना होगा, तो वो चीज ऑटोमेटिकली लाइफ में वो चीजें आती है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। और दूसरी पॉसिबिलिटी होता है कि अगर हम लोग लाइफ में कोई भी पेनफुल अगर डेज आ रहे हैं तो उसका मेन पर्पज होता है कि हमें स्पिरिचुअली मोल्ड करने के लिए आते हैं, स्पिरिचुअल डायरेक्शन में पुश करने के लिए आते हैं, तो ये चीज हमें समझना है। हाउ टू क्लियर इमोशनल ब्लॉकेज, देखिए इमोशनल ब्लॉकेज जो है वो एक माइंड की वो चीजें होती है, तो वो उसके लिए हम लोग अलग से ऑलरेडी वर्क करते हैं, तो उस पर हम लोग उस पर अलग से फोकस करते हैं। वो एक मेंटल प्रोसेस है, मतलब इमोशनल ब्लॉकेज मेंटल ब्लॉकेज वो एक मेंटल प्रोसेस है। अभी हम लोग का मेन फोकस ये है कि जो भी हायर कॉन्सियसनेस है, देखिए हम लोग जिस कॉन्सियसनेस की बात करते हैं, हम लोग जिस प्लेन की बात करते हैं, जो हमारी जो कॉन्सियसनेस है वो उधर की तरफ मूव करती है। जैसे मान लीजिए कि जो लोअर चक्रास है, मान लीजिए अगर आपसे मनी की बातें की जाएंगी तो हमारी चेतना उधर की तरफ जाएगी। अभी हम लोग की कोशिश ये है कि ये जो हायर प्लेन्स है इसकी हम लोग बात करें, इसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी कॉन्सियसनेस रेज हो, हमारी चेतना रेज हो। अगर हम लोग की चेतना रेज होती है तो बहुत से नेगेटिव एनर्जीज हमारे लाइफ के रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। सो होप मैं मैसेज करने देता हूं। बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, इसका कहना है एक दो क्वेश्चन करके हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक आएंगे। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू क्लियर हॉरोस्कोप इश्यूज। देखिए जितने भी हॉरोस्कोप इश्यूज है मतलब वो सारे थिंकिंग इश्यूज होते हैं, जितने भी हॉरोस्कोप इश्यूज है उसको हॉरोस्कोप इश्यूज कहना आप अगर आप ट्रस्ट कर पा रहे हो तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर करता हूँ। जितने भी हॉरोस्कोप इश्यूज है वो कोई भी हॉरोस्कोप इश्यूज नहीं है, वो सारे माइंड के इश्यूज है, सारे वो नेगेटिव थिंकिंग के इश्यूज हैं और सारे वो मेंटल वीकनेस के इश्यूज हैं। अपने माइंड के अपने थिंकिंग पे वर्क करके आप अपने लाइफ के सारे इश्यूज को आप वो क्लीन कर सकते हो, तो उस पर फोकस हम लोग को कम करना चाहिए, वो फायदेमंद होता है। अगर आप लाइफ में बैडली स्टक है तो आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो हेल्प करता है। कैन मैरिज इफेक्ट ऑन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैन मैरिज इफेक्ट ऑन ग्रोथ, देखिए कई बार हम लोग के जो मैरिटल पेन्स होते हैं ना वो हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, लेकिन पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, मतलब वो हमें हेल्प करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में और पुश करते हैं। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो छोटा सा लोग मेडिटेशन एक्टिविटी करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, फिर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। छोटा सा हम लोग मेडिटेशन करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं। रिकॉर्डिंग के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन हो सकता है मतलब अभी श्योर कुछ नहीं कर सकते। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हम लोग छोटा सा मेडिटेशन सेशन करेंगे। मेडिटेशन का मतलब जो भी हमारा डीपर सेल्फ है उससे हम लोग कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अब वो कोशिश में हम लोग सक्सेस भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। सो अगर आप रेडी हैं तो आप रेडी कीजिए हम लोग थोड़ा सा। सो अपनी आईज क्लोज कर लीजिए।
अभी हम लोग दिस टाइम से गुजर रहे हैं, इस टाइम पे अगर कोई वर्ड सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है तो उसमें से एक वर्ड मेडिटेशन भी आता है। मेडिटेशन वर्ड मतलब जैसे कई ऐसे शब्द है जिसको हम लोगों ने गलत समझा है, उसमें से एक शब्द मेडिटेशन भी है। So, अभी हम लोग थोड़ा सा अपने जो भी हमारे जो डीपर सेल्फ है, जो भी हायर एनर्जीज है, जो भी हायर कॉन्शियसनेस है, उससे हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, अपना बैक स्ट्रेट कर लीजिए और डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट कीजिए। और इस प्रोसेस में दो चीज का ध्यान रखना है, हमें कोई एफर्ट नहीं करना है, जो सुनना है जो हो जाए जो ना हो ना हो। और दूसरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, ये छोटा सा एक प्ले की तरह करना है। आंखें बंद, मन शांत, अपनी फिजिकल आईज भी क्लोज कीजिए, अपनी मेंटल आईज भी क्लोज कीजिए। फिजिकल आईज क्लोज करना इजी होता है, मेंटल आईज क्लोज करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेंटल आईज क्लोज करने का मतलब कि थोड़े समय के लिए ना बाहर की दुनिया में देखने को हम रिजेक्ट करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध की जितनी भी वो होती है, मतलब जितनी भी उनकी मूर्ति या फोटो होती है, उसमें उनकी आईज ना आधी खुली आधी बंद है। वो ना एक सिंबॉलिक है, वो उनका एक मैसेज था, मतलब उनका मैसेज है कि जब भी आप ह्यूमन लाइफ में रहो, जब भी आप अर्थली लाइफ में रहो, तो आपकी आंखें आधी खुली आधी बंद होनी चाहिए। आधी खुली का मतलब बाहर भी आपको ध्यान रखना है और आधी बंद का मतलब अंदर भी आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ अपने ध्यान को चेंज करना, सो दैट इज द प्रोसेस। आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान प्रेजेंट पे। आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान प्रेजेंट पे। आपको कोई एक्शन नहीं करना है, कोई एफर्ट्स नहीं करना है, आपको बस सुनना है, उसको बोलते हैं लीस्ट एफर्ट। और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, हम लोग किसी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कोई भी पीस नहीं जाने वाला है, बस ठीक है कुछ कर रहे हैं, देखते हैं ऊपर वाला क्या कराता है नहीं कराता है। आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान प्रेजेंट पे रखिए। तो अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को अपने बॉडी पे लाइए, अपने शरीर पे लाइए, अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर में हल्का सा मूवमेंट कर सकते हैं, बस अपनी पूरी चेतना को अपने शरीर पे लाने की कोशिश कीजिए। अपने पूरे ध्यान को, पूरे अटेंशन को, पूरे फोकस को अपने शरीर पे, अपने फिजिकल बॉडी पे लाने की कोशिश कीजिए। पहले अपने अटेंशन को, अपने फोकस को श्रिंक कीजिए। पहले आप उस कमरे में अपने अटेंशन को ले आइए जिस कमरे में आप बैठे हैं। अटेंशन को श्रिंक कीजिए। हमारा ध्यान कई बार इधर उधर बहुत दूर दूर भागता रहता है, उसको श्रिंक करके पहले अपने कमरे तक ले आइए कि आपका ध्यान आपके कमरे तक ही, आपकी जो अटेंशन है वो आपके कमरे तक ही है। अब उसको और श्रिंक कीजिए और अपने बॉडी लेवल पे ले आइए। पहले अपने कमरे तक, जो भी आप ऑफिस कमरे में जो भी बैठे हैं, अपनी चेतना को पहले वहां तक का फ्रीडम दीजिए कि तुम बस इतने में ही चक्कर लगा सकते हो, इसके बाहर मत जाओ। तो उसको और श्रिंक कीजिए, अपने बॉडी पे ले आइए, अपने शरीर फिजिकल बॉडी पे ले आइए। आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान प्रेजेंट पे। आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान प्रेजेंट पे। पूरा ध्यान अपने फिजिकल बॉडी पे। थोड़े समय के लिए अपने पूरे एग्जिस्टेंस को अपने फिजिकल बॉडी पे ले आइए कि आपका होना इसका मतलब आपकी, आपका शरीर का होना बस। अब आप उसको ड्रॉप कर दीजिए, उसको आप ड्रॉप कर दीजिए। अब अपना जो पूरा ध्यान है अपने हार्ट सेंटर पे ले आइए, अपने मन पे ले आइए। अपना पूरी चेतना, अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पे ले आइए, अपने मन पे ले आइए। अभी आप ये समझिए कि आप एक इमोशनल बॉक्स हैं, आप एक मन है। यू इज इक्वल टू आपका मन, जो महसूस करने वाला जो डिवाइस है बस। पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर, अपने मन पे ले आइए बस। अपने शरीर को ड्रॉप कर दीजिए, भूल जाइए कोई शरीर है आपके पास। अपनी पूरी चेतना को, पूरी कॉन्शियसनेस को केवल अपने मन पे ले आइए।
पूरा ध्यान अपने मन पे, थोड़े समय के लिए आप मन बन जाओ, आपका होना मतलब आपके मन का होना बस, आप उसे भी ड्रॉप कर दीजिए, उसको भी आप बहा दीजिए, क्योंकि आप वो भी नहीं हो, आप उससे भी आगे ही हो, आपका जो होना है वो उससे भी गहरा है। जब आपकी फिजिकल बॉडी नहीं होती है तो भी आप होते हो, जब आपका मन सो रहा होता है, मन नहीं होता तो भी आप होते हो। अब अपनी पूरी चेतना को अपने माइंड पे ले आइए, अपने थिंकिंग बॉक्स पे ले आइए, अपनी पूरी चेतना को अपने माइंड पे ले आइए, जो थिंकिंग बॉक्स है उस पे ले आइए। यू इज इक्वल टू योर माइंड, जिसका काम है ऐसी सोच वैसी सोच, अच्छी सोच बुरी, जो थिंकिंग बॉक्स है। थोड़े समय के लिए बिल्कुल आप ना एक थिंकिंग बॉक्स बन जाओ, वापस पूरी चेतना को अपने माइंड में ले आइए। आखिर बंद, मन शांत, पूरा ध्यान प्रेजेंट पे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, कोई एफर्ट्स नहीं करना, ऑटोमेटिक जितना एफर्ट सुन के हो जाए बस, पूरा ध्यान अपने माइंड पे। अब अपने माइंड को भी आप ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आपका होना आपके माइंड आपके थिंकिंग बॉक्स से भी गहरा है, अब उसको भी आप ड्रॉप कर दीजिए। आपने अपने शरीर को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया इसका मतलब उससे आगे बढ़े, अपने मन पे आए उसको भी ड्रॉप कर दिया मतलब उससे भी आगे बढ़ गए, फिर हम लोग अपने माइंड पे आए, थिंकिंग बॉक्स पे आए, उसको भी ड्रॉप कर दिया उससे भी आगे बढ़ गए, उससे भी आगे बढ़ गए, उसको भी ड्रॉप कर दिया। अब जो फोर्थ है उसको हम लोग कोई भी नाम नहीं देंगे, अब अपने भीतर अपने गहरे उतरने की कोशिश कीजिए, अपने भीतर अपने गहरे उतरने की कोशिश कीजिए, जो कि आपके शरीर से भी गहरा है, आपके मन के भी बात आता है, आपके बुद्धि के भी बात आता है, जो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसमें उतरने की कोशिश कीजिए। शरीर भी ड्रॉप कर दिया, मन भी ड्रॉप कर दिया, बुद्धि भी ड्रॉप कर दिया, अब आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो इजनेस है, आपका जो होना है उसमें उतरने की कोशिश कीजिए। शरीर भी छोड़ दिया, मन भी छोड़ दिया, माइंड भी छोड़ दिया, अब जो फोर्थ है उसको हम लोग कोई भी नाम नहीं देंगे, जो आपका होना है, जो आपका एग्जिस्टेंस है उसको हम लोग कोई भी नाम नहीं देंगे, वहां पे उतरने की कोशिश कीजिए, अपने गहरे उतरने की कोशिश कीजिए, अपने साथ अपने गहरे। आपके बंद, मन शांत, पूरा ध्यान प्रेजेंट पे। जितना देर आप इसमें रुकना चाहो, उतरना चाहो, उतना देर आप अपने साथ रुको, ठहरो। आप मेरे बोलने का बस एक ही पर्पज है, क्योंकि मैं अपने वर्ड से आपको इन्वायरमेंट दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड इधर उधर ना, आपको मैं घेर रहा हूँ ताकि आप अपने साथ उतर पाओ, खुद से कनेक्ट कर पाओ। जितना भी आप अपने भीतर उतर पाओ, जितना भी आप अपने आप से कनेक्ट कर पाओ, जितना भी देर आपको अच्छा लगे उसमें आपको करने की कोशिश कीजिए। फिर हम लोग धीरे धीरे, आप वहां रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, आईज ओपन करना चाहे तो कर सकते हैं। कितना आप कनेक्ट कर पाए आप आंसर कर सकते हैं, कितना आप खुद से कनेक्ट कर पाए, कितना आप उतर पाए अपने अंदर। छोटा सा एक हम लोग म्यूजिक सुनेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा आप आंसर कर सकते हैं।
जो भी आप जितना भी कनेक्ट कर पाए, जितना भी रिलेट कर पाए, जितना भी आप कुछ समझ पाए, कृष्ण छोड़ देगा साधे साथ सच है क्या? किशोर जी आपका क्वेश्चन में नहीं समझ पाया, आपने पूछा है कि साधे साथ सच है क्या? Unable to connect. सिप्रा जी कोशिश कीजिए रीजन की आप क्यों नहीं कनेक्ट कर पाए. कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग बहुत नेगेटिव एनर्जी जोन में होते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन those who eat non-veg are not they doing bad karma? Do they get pain in return during their life? I could not come out from deep thinking. नहीं प्रतीक जी कोई भी क्वेश्चन आंसर आप हम लोग कर सकते हैं. Why does not meditation happen to me? Not only today, always. विजय कुमार जी देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि why does not meditation happen to me? क्योंकि देखिए जैसे कहना कि जब भी आप इस प्रोसेस में उतरते हैं, मतलब अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे तो वो एक्सपेक्टेशन ब्लॉकेज का वर्क करता है. और जो मेडिटेशन वर्ड है या स्पिरिचुअलिटी वर्ड है, इसको समझने की जरूरत है. आपको मेडिटेशन से कनेक्ट नहीं, आपको तो हमारा जो डीपर सेल्फ है हमें उससे कनेक्ट करने की जरूरत होती है. हमें खुद से कनेक्ट होने में ये प्रोसेस हेल्प करता है. तो हम लोग अपने आप को जितना इन्वायरमेंट ऐसा देते हैं उतना हम लोग खुद से कनेक्ट कर पाते हैं. तो अगर कोई क्वेश्चन आंसर ना कर पाऊँ तो आप रिपीट पूछना, क्योंकि वो जब तक पढ़ रहा हूँ मूव कर जा रहा है, इसलिए मैं कई बार सर बहुत भारी हो गया था बट फीलिंग वेरी थिन. हाँ जब हम लोग इस प्रोसेस में उतरते हैं तो हम लोग के ब्रेन में बहुत से चेंजेस होते हैं. तो एक मतलब एक स्टेज आता है, कई बार हमारा सर भारी हो जाता है, लेकिन आप इस मतलब अपनी आईज को क्लोज रखिए, ऑटोमेटिकली वो चीजें अलाइन हो जाती है, अपने आप वो चीजें ठीक हो जाती है. आई हैड डिफिकल्ट टाइम इन कमिंग बैक टू माई बॉडी. तो उस केस में आप थोड़ा सा रुक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप हो जाता है. हाउ टू रिलीज इमोशनल पॉइजन. देखिए ये जो भी इमोशनल ब्लॉकेज, इमोशनल पॉइजन, उसको रिलीज करने का जो भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उन सब चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे उसमें एक पेपर राइटिंग है वो हेल्प करती है, जिसको भी लेके नेगेटिव इमोशन है वो सारा लिख दीजिए, वो एक तरीका होता है. एक प्राइमल थेरेपी है, तो जो ये सब जो मेंटल थेरेपीज होती है आपको उस प्रोसेस में वो हेल्प करता है. मैं हर्टफुलनेस से जुड़ा हूँ और मेडिटेशन करता हूँ, तो क्या मेडिटेशन भी कभी हार्मफुल हो सकता है? नहीं मेडिटेशन देखिए एक्चुअली देखिए जो मेडिटेशन वर्ड है ना, मतलब उसका जो प्रोसेस है, मेडिटेशन हार्मफुल नहीं हो सकता. लेकिन आप जैसे हम लोग कई मेंटल एक्टिविटी को हम लोग मेडिटेशन बोल देते हैं, मतलब तो आप एक्चुअल क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? क्योंकि देखिए दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है. हम लोग कुछ अपने माइंड में कुछ थॉट्स देते हैं, कुछ इंटेंट क्रिएट करते हैं, ये कुछ उसके एलिमेंट्स होते हैं. तो उसको हम लोग डीपली हम लोग को समझने की जरूरत है. और नुकसान नहीं दे सकता, लेकिन हम लोग उसको इसको जितना डीपली हम लोग समझेंगे, देखिए अगर हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तो हम लोग की अवेयरनेस बढ़ती है, हम लोग का पीस का लेवल बढ़ता है. अगर हमारी अवेयरनेस नहीं बढ़ रही, हमारा पीस का लेवल नहीं बढ़ रहा है, तो जैसे कई मेंटल एक्टिविटी को हम लोग मेडिटेशन कह देते हैं. When to do meditation because my kids are always around me, although I close the door, then also can't shrink myself from their voice. When to do meditation because. माइंड यहाँ वहाँ घूमते रहता है, एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं मेडिटेशन का प्रोसेस. देखिए मेडिटेशन से ज्यादा ना हम लोग जितना अवेयरनेस की प्रैक्टिस करेंगे वो हेल्प करेगा. क्योंकि जो मेडिटेशन वर्ड है ना, मेडिटेशन का हिंदी मीनिंग होता है ध्यान देना. तो हम लोग मेडिटेट किसी चीज पे करते हैं, तो हम लोग की जितनी अवेयरनेस, हम लोग अपनी अवेयरनेस पे जितना फोकस करेंगे, मेन चीज हम लोग का अवेयरनेस है. तो आप मेडिटेशन की बजाय ना जैसे अवेयरनेस की आप प्रैक्टिस कीजिए. आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आपका लेग मूवमेंट्स है, जितना आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, उतना हम लोग खुद से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं.
मेडिटेशन एक इनकम्प्लीट वर्ड है, क्योंकि मेडिटेशन होता है ध्यान रखना, किस पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे अभी हम लोग जो मेडिटेट किए, हम लोग खुद से कनेक्ट करने की कोशिश की, हम लोग का जो फोकस था दैट वाज इनवर्ड। हाउ टू कंट्रोल माइंड चैटरिंग, किशोर जी वो तो हम लोग सिंपल से जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं, आपको अपने गोल्स पता होने चाहिए, आपको अपने आउटकम्स पता होने चाहिए, तो जो हमारी जो माइंड की जो चैटरिंग है वही हमें हेल्प करने लगती है, वो कंस्ट्रक्टिव होती है, वो एक डायरेक्शन में होती है। तो हम लोग अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके इन सब चीजों से हम लोग फ्री हो सकते हैं। मेरी जिंदगी में ठहराव नहीं है, मैं भागता रहता हूँ, पर मेरी प्रोग्रेस और ग्रोथ भी नहीं हो रही है। मेरी जिंदगी में ठहराव नहीं है, मैं भागता रहता हूँ, पर मेरी जिंदगी पर मेरी प्रोग्रेस और ग्रोथ भी नहीं हो रही है। आकाश जी आप एक हेल्दी मी टाइम स्पेंड कीजिए, आप मी टाइम स्पेंड कीजिए, जो भी आपकी फीलिंग्स है उसको लिखिए, अपनी लाइफ में जो भी आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो सब चीजों को लेके आप समझिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। अभी जो स्पिरिचुअलिटी और आजकल टॉपिक है उसके अराउंड के क्वेश्चन अगर करेंगे तो आई थिंक, क्योंकि वो सब ऑलरेडी हम लोग के बाकी जो माइंड की चीजों के टॉपिक होते हैं, तो हम लोग जो आज का जो टॉपिक है, हम लोग का जो स्पिरिचुअल फोकस है उसी पर हम लोग रहते हैं, वो ज्यादा आई थिंक हेल्प करेगा। जो आपने म्यूजिक सुना है वो ऑडियो शेयर कर सकते हैं, अभी तो शेयर करना मुश्किल होगा आपके दोनों प्रोसेस में। सो होप मैं लगभग सारे क्वेश्चन कर पाया।